हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन की शुरुआत के साथ। तो गाइस, आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज का ब्लॉग भी कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो अभी इस समय बज रहे हैं 8 बज गए हैं सुबह के। आज है 15 अगस्त। तो आज 15 अगस्त के दिन बहुत सारे लोग पतंग उड़ाएंगे, बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोग 15 अगस्त में पतंगे उड़ाते ही उड़ाते हैं। तो हम भी कल, हमने भी पतंगों की शॉपिंग की थी, तो हम भी ये अपने बेटे के लिए लेके आई थी मैं पतंग, तो उसको भी उड़ाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए छत पे, और उसके बाद बाकी काम करते रहेंगे। तो ये रही हमारे पास मोटू और पतलू वाली पतंगे, और एक ये पतंग है जो कि हमारी छत पे उड़ के आ गई थी, तो ये भी हम ले आए। तो उड़ेगी तो ठीक, नहीं उड़ेगी तो ठीक तब भी। और एक पतंग ये रही, पर पतंगे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पतंगे हैं, तो ये रही। और मांझा हमारे पास पता है कैसा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मांझा ये रहा, ऐसे मांझे से हम पतंग उड़ाएंगे, क्योंकि वो दूसरे वाले से हाथ कटने का डर रहता है, इसलिए बच्चों के लिए ये वाला मांझा मैं लेके आई हूँ। तो इससे उड़ाएंगे हम पतंग। तो चलते हैं सीधे छत पे। उड़ाती है ले भैया अंदर, शिव मनु उनको नहीं आता बोल उड़ा। ए भगवान, ये पतंग कहाँ अटक गई, अब ये कैसे निकलेगी। शिवम, आ गया बर्फ, आ गया तेज, आ गया कपड़ा। आज यहाँ पे मैंने दिल का खाला भी बन गया है मेरा, आ गए थे हम छत से, और मैंने बनाई है आज ना, क्या बनाया होगा, ये है थिचौड़ी, मूले की थिचौड़ी है। तो ये मैंने सिलवट्टे पे थीचा है, और इसमें बनाया है मैंने चावल। ये अभी बन ही रहा है, ये अभी बना नहीं है ठीक से। इसमें मैंने इसको आज थिचौड़ी बनाई है, तो मूला को इसमें थीचा है, मूला मैं आप लोगों को दिखा। तो गाइस, मैंने इसकी थिचौड़ी बनाई है, ये आया है गाँव से, तो आज मैंने इसकी थिचौड़ी बना दी। तो आज ये बनाई है मैंने मूला की थिचौड़ी, सिलवट्टे में पीस करके बनाई थी, थीच करके, और बनने ही वाली है। इसमें लगाया है मैंने भांग का तड़का ये, और ये बनने वाला है बस। तो गाइस, हम ना खाना खाने के बाद भी चले गए थे पतंग उड़ाने के लिए, और सब लोग छत पे आए हुए हैं, सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, सब मतलब इतना खचाखच सबके छत भरे हुए हैं, और आकाश में भी सारी पतंगे उड़ी रही हैं, बहुत सारे रंग बिरंगी पतंगे, सारे लोग पतंगे उड़ाने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि अभी बीजे में गाना वाना बजा रहे हैं, और वो भी शायद से पतंग उड़ाएंगे अभी।